कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दिल्ली सरकार पूरी दिल्ली को अलग अलग जोन में बांटने जा रही है। दिल्ली के कंटेनमेंट इलाकों को रेड जोन में डाला गया है। इसके आसपास आने वाले इलाके ऑरेंज जोन में होंगे, जहां संक्रमण फैलने का खतरा दूसरे इलाकों से बहुत ज्यादा है। दिल्ली सरकार दोनों जोन को सोमवार से बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, हम ये नहीं चाहते कि हमारी स्थिति अमेरिका की तरह हो। हम बड़े स्तर पर सैनिटाइजेशन ड्राइव शुरू करने जा रहे हैं। हाई रिस्क जोन में सैनिटाइजेशन सोमवार से शुरू होने जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि अभी तक 43 इलाकों को सील किया गया है। दिल्ली में जहां भी कोई मरीज मिलेगा वो इलाका सील करेंगे। सील करने के लिए कई और इलाकों की पहचान की गई है। सीएम केजरीवाल ने कहा, सभी कंटेनमेंट एरिया को सैनिटाइज किया जाएगा। फिलहाल 10 जापानी और 50 दिल्ली जल बोर्ड की मशीनों की मदद से सैनिटाइजेशन ड्राइव शुरू की जा रही है। केजरीवाल ने माना कि इन इलाकों के लोगों को काफी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन ये सब लोगों और उनके परिवार की सेहत और जिंदगी के लिए किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट एरिया बढ़ाने के साथ उन इलाकों में बड़े स्तर पर सैनिटाइजेशन भी शुरू किया जा रहा है। दिल्ली में हॉटस्पॉट इलाकों की संख्या अब 43 हो गई है। शनिवार को ये संख्या 33 थी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ऑटो ड्राइवर्स को भी 5,000 रुपए की सहायता राशि दे रहे हैं, ताकि इस कठिन समय में इन लोगों को मदद मिल सके। जिनके पास वैलिड लाइसेंस और वैलिड ट्रांसपोर्ट बैज हैं, वो सोमवार से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने रविवार को 10 नए इलाकों को सील कर दिया। इन इलाकों में संक्रमित लोगों के मिलने के बाद सरकार ने कदम उठाया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि ऑपरेशन शील्ड के तहत दिल्ली में सील किए गए इलाकों की संख्या 43 हो गई है। उन्होंने दिल्ली वालों को सावधान रहने की सलाह देते हुए कहा है कि कोरोना वायरस का खतरा हो सकता है, जरूरी होने पर ही मास्क लगाकर बाहर निकले। नमन शर्मा के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, पंजाब केसरी दिल्ली। यदि आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।